अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम हाजिर हैं लॉन्च CRP919 मैक्स। ये एक बड़ा जबरदस्त स्कैनर है और आप इसके नाम पे मत जाइए कि ये CRP है, लेकिन आपको मजा ये आएगा कि ये बिल्कुल जो बड़ा लॉन्च का कोई भी स्कैनर है उसी की तरह काम करता है। तो आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं, आपको ये गाड़ी में लगा के और उससे पहले इसके बारे में मुकम्मल अनबॉक्सिंग होगी और आपको बताया जाएगा कि इसमें सॉफ्टवेयर कौन से हैं, उसके बाद इसको गाड़ी में लगा के भी चेक करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप मेरे करीब आ जाएं। ले जी, बिस्मिल्लाह जी, खुल रहा है। जबरदस्त पैकिंग है, जैसे कि लॉन्च हमेशा ही अच्छी पैकिंग देता है डबल बॉक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका टैब चेक करते हैं, जबरदस्त ये इसका टैब आ गया। और यकीनन इसकी स्क्रीन जो है बहुत अच्छे फीचर्स वाला और एंटी शॉक वाला। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे आपको ये प्रो V5 नज़र आ रहा होगा FCC ID में। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कौन सी जनरेशन है। तो इसके बाद बहुत अच्छा इसमें कैमरा दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। और स्क्रीन ऑन करते हैं, स्क्रीन ऑन हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें क्या है जी, ये है जनाब इसका ब्लूटूथ अडाप्टर। और इसके अलावा इसकी पैकिंग लिस्ट है, पैकिंग लिस्ट के अलावा आपको इसमें मुकम्मल पैकिंग लिस्ट नज़र आएगी। ये बहुत ज़रूरी होती है व्यूअर्स, क्योंकि पैकिंग लिस्ट ही ऐसी चीज़ है जिससे आप जान पाते हैं कि आपकी पैकिंग जो है उसमें क्या क्या शामिल है। तो ये इसकी पैकिंग लिस्ट है और ये इसकी बुक है टूल्स के लिए, और ये इसका रजिस्टर करने के लिए ये इसका कार्ड है। तो उसके बाद हम देखते हैं, ये इसका ब्लूटूथ अडाप्टर है लेटेस्ट वाला जो लॉन्च में अब सबसे ज़्यादा V5 में और दूसरों में यही चल रहा है। देखें अलावा ये इसकी मेन केबल है और ये यकीनन इसका सॉफ्टवेयर सॉरी चार्जर है, अच्छे वाला चार्जर है, आम चार्जर नहीं है, बहुत अच्छे वाला चार्जर है। देखिए आप, और इसके साथ फिटिंग है इसकी, आप किसी भी रीजन में हो तो ये उसके लिए है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अब ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ जी, तो यहाँ पे हमने ये लोकल डायग्नोस में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये सब गाड़ियाँ आल में आएंगी, फिर कॉमन है, फिर अमेरिकन है, ये सब ये देखें जितनी अमेरिकन गाड़ियाँ हैं, यूरोपियन गाड़ियाँ हैं, सब फेमस ब्रांड है इसमें, एशिया है, एशिया के सारे जैपनीज मॉडल हैं, चाइनीज़ आपको पता बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं वो भी हैं इसमें, ठीक है जी। इसके अलावा इसके सर्विस जो स्पेशल फंक्शन है, तकरीबन 31 फंक्शन है, ये बहुत बड़ी यानी कि फंक्शन है। अब आप देखें इसमें आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आप ABS ब्लीडिंग है और ब्रेक रीसेट है, कूलेंट ब्लीड है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इमोबिलाइज़र भी है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें बाद में तफसील से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये इंटेलिजेंस डायग्नोस है, इससे आप डायरेक्टली गाड़ी को बगैर उसको चूज़ किए हुए आप डायरेक्टली इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और उसके बाद आपको गाड़ी में बैठ के बताएंगे कि कैसे ये काम करता है। और अदर मॉड्यूल्स में आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, EV या कुछ भी इसमें आपने ऐड करना हो मॉड्यूल इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका कैमरा अच्छा है, रिकॉर्डिंग भी है इसमें, सब कुछ ही है। आप ये एंड्रॉयड टैबलेट है,
ठीक है जी। अब इसको हम गाड़ी में चल के दिखाते हैं आपको कि कैसे काम करता है। तो आए हमारे साथ, गाड़ी में चलते हैं, तो गाड़ी में देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब आ गए हैं गाड़ी में, अब हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले तो ये एक हाइब्रिड गाड़ी है, सेंटा, तकरीबन नया मॉडल है, तो इसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं और हम देखेंगे कि ये वैसे ही काम करता है जैसे एक अच्छा स्कैनर काम करता है या नहीं। और तो सबसे पहले हम इसको ओबीडी में इसको लगाते हैं। ये ओबीडी में डिवाइस कनेक्ट हो गई, ये ब्लूटूथ के साथ इसके साथ कनेक्ट हो गई। हम देखेंगे कि CRP 919 लैक्स असल में क्या चीज़ है और कैसे बैटरी है। वैसे तो हमें पता है ये बड़ा ज़बरदस्त एक स्कैनर है जो बिल्कुल बड़े स्कैनर की तरह काम करता है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें है क्या। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस डायग्नोस में चलते हैं, ये बिल्कुल सिंपल और सादा सी चीज़ है। जब आपको आपने बिल्कुल डायरेक्टली आप बाईपास करके जाना चाहें सीधा गाड़ी के सिस्टम हर गाड़ी का इंतखाब किए हुए अगर आप जाना चाहें तो इंटेलिजेंस डायग्नोस में चलते हैं। यहाँ से हम देखते हैं डायरेक्टली वो गाड़ी में कैसे जाता है। बड़ा वेरी सिंपल सा है, बहुत इजीली और क्विक एक्सेस है। देखिए आप यहाँ पे फौरी तौर पे उसने पूरी जो गाड़ी है उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे उसका चेसिस नंबर आ गया, मॉडल आ गया, गाड़ी का मेक और उसका सारा सिस्टम आ गया। अब हम चलते हैं यहीं से आगे डायग्नोस में। तो यहाँ से हमने डायग्नोस किया, ये देखें बड़ा सिंपल है, और ये इसमें सेंटा HP है 2018 विथ स्मार्ट, ये इसका NHP 170 मॉडल आ गया और चेसिस नंबर आ गए, इवन किलोमीटर माइलेज आपकी कितनी है वो भी आ गई, उतनी ही जितनी गाड़ी चली हुई है। तो ये 4-cylinder कार है और आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो हम ओके करेंगे और यहाँ पे हम इसको स्कैन करेंगे मुकम्मल, देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट आता है और ये कितना ज़बरदस्त स्कैनर है। ये हेल्थ रिपोर्ट में जाके हम चेक करेंगे। क्विकली ये काम करता है, क्विकली रिस्पॉन्ड है, क्विकली डायग्नोज करता है। यहाँ पे ये इसके आ चुके हैं, हम इसको अगर आप गूगल के साथ इसको कनेक्ट करें, अपना इंटरनेट आप कनेक्ट करें तो आप गूगल में जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, इसकी आपको पिक्चर नज़र आएगी और कैसे इसको आपने क्लियर करना है वो भी आपको ऑप्शन में बताया जाएगा। यहाँ पर हम डिटेल को क्लियर कर रहे हैं, हमारा फॉल्ट चला गया और गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त। तो नाज़रीन आपने देखा बहुत ज़बरदस्त स्कैनर है और बड़े रीज़नेबल प्राइस में है और ये आपके लिए स्पेशल हम लाए हैं। ये आप इसको फोर स्कैनर की तौर पे ना जाने, ये एक मुकम्मल स्कैनर है और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें बेशुमार रीसेट फंक्शन है, यानी कि फीचर्स हैं बिल्कुल सेम लाइक एक जो V5 है और V5 में जो SE2 है उसी टाइप का, बस इसकी स्क्रीन साइज़ थोड़ा उसे 1-2 inch का फ़र्क है लेकिन फीचर्स इसके तकरीबन नियरली सेम है। तो आप इसको ट्राई करें, अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो हमारी ये वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, आपके शेयर करने से लाइक करने से हमें हौसला मिलता है और हम नई वीडियो बनाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।